साडा पंजाबी विरसे नाल जुड़े सारे दर्शकों नूं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों दोस्तों पंजाब पंजाबीयत ते पंजाबी विरसे नूं आउण वालियां पंजाबियां दीआं नवीआं पीढ़ियां लई जिउंदा रखण लई इन्हां वीडियो राहीं इस चैनल दा एक छोटा जिहा उपराला है। इस चैनल दी किसी भी वीडियो उत्ते किसी भी गायक गीतकार संगीतकार जां किसी भी व्यक्ति नूं कोई भी शिकायत सुझाव ते किसी भी तरह की कोई असहमियत होवे तां हेठ लिखे पते ते संपर्क कर सकदा है। इस दे नाल गल करदे हां जिवें कि पिछली वीडियो दे विच असी चमकीला ते अमरजोत दी प्रेम कहानी दा पहला भाग तुहाडे तक रूबरू कीता सी। इस वीडियो दे विच दूजा भाग तुहाडे रूबरू करांगे। पहले भाग च असी जिवें कि दस्या सी कि अमरजोत ने चमकीले नाल विआह दी गल किवें कीती की क्या सी चमकीले नूं अमरजोत ने ते चमकीले ने किवें दूजा विआह करन लई हामी भर दित्ती सी अमरजोत नूं। इन्हां सारियां गल्लां दा जवाब पिछले वीडियो दे विच असी दे चुके हां। ये चमकीला ते अमरजोत दी प्रेम कहानी बारे पहला भाग साडा पंजाबी विरसा चैनल ते अपलोड है, उस नूं तुसी सुन सकते हो। इस दे नाल गल करदे हां भाग नंबर दो चमकीले दी प्रेम कहानी लव मैरिज बारे। जदों चमकीले ने अमरजोत नूं हां कीती विआह ली तां अमरजोत बोली हुण जो करना जल्दी करो, देखियो किते बेड़ियां विच वट्टे ना पै जाण, इधर करो तां कदों दा खतरे दा घुग्गू बोलिया पिया मित्रा। हाँ तेरा भरा पप्पू दीआं गल्लां तों मैनूं कुछ दाल विच काला तां लगदा सी, इह ना होवे किते सारी दाल ही काली हो जावे। लै मैं तां कदे मीट नहीं काला होण दित्ता, दाल काली कित्थों होण दे दूं, तू फिकर ना कर यार, होणगे मिलणगे आपे, चित नूं टिकाणे रखिए, मैं अज दी बंदोबस्त करदा। आख के चमकीला अपने दफ्तर नूं आ गया सी। सुनेहा भेज के चमकीले ने टिक्की नूं दफ्तर बुला लिया सी। जदों टिक्की आया तां दफ्तर विच कुछ बंदे बैठे सन। चमकीला टिक्की नूं इक पासे लै गया सी। मैं अमरजोत नाल विआह करवाउण दा फैसला कर लिया है, तू मेरा विआह करवा दे। करां फिर ओहदे घरदिआं नाल गल, अमरजोत कहंदी आ मेरा विआह करवाउण नूं जी करदा, बेबे ना मनदी मेरी। पतंदरा मैं तैनूं विआह करवाउण नूं कह रिहा, साडा रिश्ता तड़वाउण नूं नहीं। अमरजोत दे घरदिआं नूं माड़ी जिही वी पिणक लग गई तां उहनां ने अमरजोत नूं उसे वक्त फरीदकोट लै जाणा। पप्पू फरीदकोट गिआ होइआ, दो तीन दिन नहीं मुड़दा, आपां नूं इह काम हुणे फुरती नाल करना पैणा है ओहदी गैर हाजरी विच। चमकीले ने टिक्की दे कन्न वलेल पाई सी। ओह तां ठीक आ पर तेरे घर दे मन जाणगे, तूं तां विआहिआ होइआ। टिक्की ने अपना शक जाहिर कीता सी। ओ मेरी जिम्मेवारी, मैं आपे आप दे घरदिआं नूं नजिठ लूं, तैनूं काहदी चिंता है, नाले मेरा विआह नहीं सी होइआ, मेरे वड्डे भरा दी मौत हो गई सी ते ओहदी घरवाली मेरे सिर ते सरीके ने रख दित्ती सी, मैनूं मजबूरी विच चादर पाउणी पई सी, साडी आपस विच नहीं बणदी, तैनूं तां पता है मैं किन्ना किन्ना चिर घर नहीं जांदा। फिर ओह विआह कक्का दा, अमरजोत दे घरदिआं नूं वी लोड़ पई तां आपां इही दस्सांगे, तूं बस मेरे अमरजोत नाल विआह दा इंतजाम कर दे। चल दस मैं की कर सकदा, देख इत्थे लुधियाणे विच जे विआह दा पंगा लै लिया तां 119 की हो सकदी आ, तू परदे नाल आपदे घर फगवाड़े साडे आनंद पड़ा दे, उत्थे किसे नूं भिणक नहीं पैणी, किराया मैथों लै जा ते जाके सारा बंदोबस्त अज ही कर लै, आपां सवेर नूं निम नूं पतासे ला देणे आ। चमकीले ने पैसे कढ के टिक्की नूं फड़ा दित्ते सन। शाम दा वेला सी, टिक्की उत्थों सीधा ही बस अड्डे नूं गया ते फगवाड़े वाली बस चढ़ गया सी। फगवाड़े बस विचों उतर के टिक्की ने रिक्शा लिया ते सब्जी मंडी मूहरे स्पीकरां वाले अवतार फौजी नूं सारी कहानी दसी ते सहयोग दी मंग कीती सी। टिक्की अपने परिवार वालिआं नाल इस मामले बारे गल करन तों झिझकदा सी। अवतार फौजी ने टिक्की नूं पहलां अधिया पला के कायम कीता सी, फिर रात 9 बजे दे करीब मोटरसाइकिल ते बिठा के उसदे घर सुखचैन नगर दोनों जाणे चले गए सन। टिक्की दे माता पिता नाल फौजी ने यही गल कीती सी। पहलां तां सुण के उह डर ही गए सन, देखियो कोई जब ना खड़ा कर दिओ, कुछ नहीं हुंदा, बस सारी 10-15 मिंट दी गल आ, लावां करवा के कम नबेड़ देंगे। फौजी दे समझाउण ते टिक्की दे परिवार ने रजामंदी दे दित्ती सी। अवतार फौजी अपने मोटरसाइकिल ते टिक्की नूं स्टेशन छड्डन तुर पिया सी। रस्ते विच टिक्की ने अपनी भूआ दे मुंडे जंगिंदर सिंह बिजली फोटोग्राफर नूं अगले दिन 9 बजे दा फोटवां खिच्चण लई टाइम दे दित्ता सी। फौजी अपने मोटरसाइकिल ते टिक्की नूं स्टेशन उपर रात नूं छड्ड आया सी। रात दे 12 बजे रेल फड़ के टिक्की लुधियाणे आ गया सी। उसने चमकीले नूं सारी गल दसी सी।
चमकीले नूं टेक नहीं सी आउंदी। ओह मंजे ते बैठा अगले दिन भी मनसूबा बंदी करी जावे। अच्छा टिक्की फिर आपां अमरजोत नूं ले जाण लई कल नूं गड्डी किहदी करांगे? ओहदे लई विआह आले सूट भी लैणे पैणे आ, सेरा सूरा भी लैणा पैणा। ओह लोकल बस अड्डे प्रेमी दी टैक्सी कर लवांगे, अपना मित्र आ ओह, बाकी समान फगवाड़े जाके लै लवांगे। हुण तू सो जा, नाले मैनू सौण दे। टिक्की दारू दे नशे कारण सुस्त्या पिया सी। चमकीले नूं मजा सवेर होई सी। अमरजोत नूं सुनेहा भेज के सारी जुगत चमकीले ने पहला ही समझाई हुई सी। 24 मई 1983 नूं कार लैके ओह अमरजोत नूं चुकण गए तां मकान मालक दरवाजे विच खड़ा सी। उसने अमरजोत नूं सुभावक ही पूछ लिया सी, कोई खास प्रोग्राम लगता है अज? हाँ जी खास ही आ, अमरजोत ने ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਮਰਜੋਤ ਕੋਈ ਅਖਾੜਾ ਲਾਉਣ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਮਰਜੋਤ ਲਈ ਚਮਕੀਲੇ ਨੇ 2 ਰੈਡੀਮੇਡ ਸੂਟ, ਸੰਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਟਿੱਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਗਾਵੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਸਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰਜੋਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਵੇਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਪਾ ਕੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਈ ਤੇ ਅਮਰਜੋਤ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਰਜੋਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀਲੇ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨਾਲ ਸੰਦੂਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਮਰਜੋਤ ਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰਜੋਤ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅਮਰਜੋਤ ਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੋਸਤੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੀਤ ਡੁਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।